नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का कंटेंट रहने वाला है कबूतर की उड़ान कैसे उड़ाएं। कबूतर सभी के पास में है, हमारे भाइयों के पास पे, लेकिन उड़ नहीं पा रहे ढंग से। बाजियां सर पे हैं और ऐसा क्या करें जो कबूतर उड़ जाए। गोलियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, नशे की गोलियां लगा लगा के कबूतर भगा रहे हैं। तो भाई वीडियो बिल्कुल मत देखना अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर आपको मैं कोई नशे की गोली बताने वाला हूँ, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो इसलिए है कि भाई आपको एक अच्छे तरीके से अपने कबूतर को उड़ाना चाहते हो मेहनत के साथ में, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रिंग आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों आज का कंटेंट रहने वाला है उड़ान के ऊपर, कबूतर की उड़ान कैसे बढ़ाएं। कबूतर आपके पास में है, 3 घंटे 4 घंटे उड़ रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा, उसके लिए हमें क्या करना है हर वो चीज़ बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को देखना, बस यही अपील करूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहली चीज़ तो है अपने पास होमोट्रोन XT, ठीक है जी। ये टैबलेट फॉर्म के अंदर है, 100 टैबलेट्स हैं इसकी, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा रेट से लेकर के, पहले समझ लें इसका काम क्या है। छोटा बॉक्स भी आपके लिए बनवाया भाइयों के लिए, जिसके पास कम कबूतर हैं वो छोटा बॉक्स भी ले सकता है 30 कैप्सूल्स का। तो भाई ये काम क्या करता है, कबूतर को उड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी, राइट। हम उस बेसिस पे काम करते हैं कि कबूतर को एक शक्ति दी जाए, ना कि उसे नशा दिया जाए। नशा दे के उड़ाने से क्या होता है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे और कुछ कहीं पे गिरे, कबूतर गिर जाते हैं, कबूतर भाग जाते हैं, ठीक है। उस पर फिर बंदा तोप बन के दिखाता है कि यार मेरे कबूतर तो यार उतरे ही नहीं, रात रह गए नहीं, वो बेचारे कहीं ना कहीं गिरे पड़े होंगे, हो सकता है मर भी गए हो नाली वगैरह में, झोड़ में, मोस्टली वहीं पर देखने को मिलता है इन बाजियों के अंदर। तो भाई पहली चीज़ तो ये कबूतर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कबूतर को उड़ने की शक्ति जो है वो उसकी बढ़ाता है, स्टैमिना बिल्डअप करता है, ठीक है जी, उड़ान जो बढ़ाता है। प्लस कबूतर के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है एक बॉडी के अंदर, वो है ब्लड, खून, जो उसकी सारी मांसपेशियों में दौड़ना चाहिए। उसका हीमोग्लोबिन HB जो है वो न्यूट्रल रहना चाहिए, ना कम हो ना एक्सेस हो, तो उसको ये इम्प्रूव करता है। जितना उसके अंदर ब्लड अच्छे तरीके से सर्कुलेट होगा, उसके ब्रेन से लेकर उसकी टंग पैरों तक, तो ये खून को एक तो बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये प्रॉपर आयरन टैबलेट है और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो आयरन टैबलेट बनाती है कबूतरों की स्पेशली, और कि इंसानों की तो बहुत सारी आती है, कबूतरों की नहीं आती, और वर्ल्ड की दूसरी कंपनी है जो आयरन टैबलेट बनाती है। इसके अलावा एक कंपनी और है वर्ल्ड में जो पहले बनाती थी और अभी भी कंटिन्यू है उसका भी, लेकिन इस प्राइस में आयरन टैबलेट्स आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगी, स्पेशली फॉर पिजन्स जो कबूतरों के लिए तैयार की गई है। ऑक्सीजन रिस्टोरेशन है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन स्टोर करता है, जितना ज़्यादा उसमें एनर्जी का लेवल रहेगा उतना ज़्यादा कबूतर आपका परफॉर्मेंस आसमान में अच्छी देगा, ये लोग तो आप समझ गए होंगे इस बात को। अब आते हैं मेन चीज़ के देनी कैसे है। देने का तरीका बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको 15 दिन तक देनी है लगातार, शाम को 5 बजे इसको दे देना, कबूतर के मुंह में एक टैबलेट डाल देना और अगले दिन आप कबूतर को उड़ा देना। अब चाहते हैं इंक्रीमेंट और ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो साथ में हीमोट्रोन XT का सिरप भी अवेलेबल है। सुबह कबूतर उड़ाने से पहले 5 ml 1 लीटर पानी में इसको मिलाना, और कबूतर को जितना भी आप ml पानी लगाते हो, 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml 30 ml, वो पानी ये मिला करके पिला देना कबूतरों को, ठीक है। कबूतरों की फ्लाइट परफॉर्मेंस आप खुद फीडबैक आप दोगे, अमन भाई मज़ा आ रहा है कबूतर उड़ाने का, इन्हें दोनों को लगाने के बाद में जब ये कॉम्बिनेशन दोनों का बन जाएगा ना, तो कबूतर की परफॉर्मेंस आप खुद देखोगे कि यार क्या कबूतर थे और क्या उड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, प्राइसिंग मोस्ट है 100 गोलियां 999 रुपीज का ये डब्बा है, 100 गोलियों का, इसके अंदर प्रॉपर एक बॉक्स है, मैं दिखा देता हूँ आपको, 100 टैबलेट्स का ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स पैकिंग आती है प्रॉपर। यह है 999 का, जो 30 कैप्सूल की बात करूँ तो यह है 399 का, ठीक है, और बात करूं ये आधा लीटर का जो है होमोट्रोन XT, ये है 499 का, बहुत हल्के रेट रखे गए हैं। अब आप कहेंगे अमन भाई कबूतर तो उड़ा दिए यार, उतार के संभाल कैसे करूं, जानना चाहते हैं कमेंट करना
स्पेशली आपकी संभाल के लिए एक ऐसी वीडियो बनाएंगे कि आपको खुद कहेंगे अमन भाई बहुत हैवी ड्राइवर निकले हैं। अच्छा दूसरी बात, ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ ना भाई, आपकी हेल्प करने के लिए बनाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सामान लो, मैं आपको कभी अप्रोच नहीं करता। जिसको लेना होता है वो मुझे व्हाट्सअप कर देता है, उसके घर पे डिलीवरी पहुँच जाती है, और जिसे नहीं लेना होता कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे अमन भाई आपने कितनी बाजियाँ उड़ाई, तो भाई मैंने बाजी खुद नहीं उड़ाई आज तक, कभी भी एक भी बाजी। मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ, मैं लंबी लंबी नहीं छोड़ता, ना मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। अपने चेलों की उड़वाई है, जिनकी उड़वाई है उनको पता है उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं बाजी क्यों नहीं उड़ाता, मुझे इन्हें पालने में शौक आता है। हमारे यहाँ पे बाज बेरी इतने हैं ना, एक बार कबूतर यहाँ पे आके उड़ा के देखो चलेगा पता। बाज ना यहीं पे घूमता सर के ऊपर, उड़ता बाद में, पहले लेके चले जाता है यहाँ से। तो कबूतरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करूँ मैं, मुझे मज़ा नहीं आता कि मैं इतनी मेहनत से इनकी ब्रीड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ब्रीड मैं बना रहा हूँ, और इनको मैं उड़ा करके मरवा दूँ। क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ ना हरिद्वार के अंदर, यहाँ पड़ता है राजेरी नेशनल पार्क, जो कि एक जंगल है, और जंगल के अंदर क्या होते हैं जानवर, बेरी सामने बैठी रहती है हमेशा, और बंदर तो देखो, ये देखो, ये देखो, एक बंदर ये बैठा है देख लो, एक वो बैठा है, वो देखो, ठीक है मेरे भाई। तो हम बैठे हैं जंगल के अंदर, यहाँ टीन पे कूदते ना, टीन टेढ़ी कर रखी, कूद कूद के इन्होंने मार ये वो ने, ठीक है भाई। तो बोलना आसान होता है कि आप ये क्यों नहीं करते। यार आपको मैं एक अच्छी चीज़ का रेफरेंस दे रहा हूँ, आपको लेना है लो, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है भाई, नॉट अ प्रॉब्लम। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, 900 प्लस वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, किसी में मैंने ज़बरदस्ती आपको नहीं बोला कि आप परचेज करें। मेरे पास चीज़ है, आपको लेना है मोस्ट वेलकम, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें ना लिखा करें, उनको देख करके बुद्धि गर्म होती है, फिर कुछ ना कुछ वीडियो अलग से आती है, और मैं चाहता हूँ ऐसी वीडियोस ना आए, क्योंकि उससे जो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते उनको हर्ट होता है कि अमन भाई आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। जबकि गाली इंडिया के अंदर लगभग सभी देते होंगे, 90% तो देते ही होंगे, 10% कुछ लोग ऐसे हैं जो गाली नहीं देते, बिल्कुल भी गाली का उपयोग नहीं करते, या हो सकता 20% या 30% भी हो सकते हैं वो लोग, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत हो तो। फिर भी 70% का जो रेशियो है वो गाली वाला है, लेकिन हम यूट्यूब पर बैठ करके गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ट्राई करना है, मैंने कहता आप 100 गोली वाला पैक लो, आप 30 गोली वाला पैक लो, दो कबूतरों पे चेक करो, दो कबूतरों पे कम से कम, क्या पता एक पे परफॉर्मेंस आए या ना आए। 30 गोली में दो कबूतर आपके तैयार हो जाएंगे, साथ में हीमोट्रोन XT इतना है, 5 ml भी दोगे बहुत चल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट है ये भी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ करो, रिजल्ट देखो, उसके बाद फीडबैक की वीडियो ज़रूर डालना अमन भाई, मैंने यूज़ किया आपका सामान और इसका ये फीडबैक आया, कबूतर पहले इतने उड़ रहे थे और अब इतने उड़ रहे हैं। कबूतर की संभाल की वीडियो किस किस को चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, आपकी नेक्स्ट वीडियो जो है कबूतर संभाल पे ही बनाई जाएगी, कैसे संभाल करें सस्ते में बढ़िया में और कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।